नमस्कार मित्रों, अगर आप लिखने के शौकीन हैं और एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ गई है भारत सरकार की युवा स्कीम, जिसमें भाग लेकर आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। केंद्र सरकार की युवा स्कीम 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों के लिए है। देश में पढ़ने और लिखने और किताब की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में भारतीय और भारतीय रचनाओं को दुनिया भर में आगे बढ़ाया जाएगा। युवा योजना का उद्देश्य, इस योजना की शुरुआत खास ऐसे लेखकों के लिए की गई है जो युवा है और जिन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस योजना का नाम युवा है और इसका मकसद युवा लेखकों को और नए लेखकों को सही प्रशिक्षण देना है। युवा स्कीम में उम्र सीमा और उद्देश्य। केंद्र सरकार की युवा स्कीम 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए है। देश में पढ़ने लिखने और किताब की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें युवा लेखकों को देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। माननीय PM मोदी ने 31 जनवरी 2021 को अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था। नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिश करेगा किताबें। नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम को पूरे देश में सही तरीके से संचालित किया जा सके। जो भी किताबें इस स्कीम के तहत आएंगी उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी प्रमोट किया जाएगा ताकि देश की संस्कृति और साहित्य का आदान प्रदान हो सके। इस योजना की कुछ मुख्य बातें। नंबर एक, इस स्कीम के तहत 75 युवा लेखकों को ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के जरिए चुना जाएगा। नंबर दो, युवा लेखकों को देश के मशहूर लेखकों की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। नंबर तीन, मेंटरशिप के दौरान 15 दिसंबर 2021 तक सभी मेन्यू स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाएंगी ताकि इन्हें पब्लिश किया जा सके। नंबर चार, चुने हुए प्रत्येक लेखक को 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी और यह अगले 6 माह तक जारी रहेगी। नंबर पाँच, सभी किताबें पब्लिश होंगी, उन्हें 22 जनवरी 2022 को युवा दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा।